तो हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की, हमने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की बात की, और हमने ये बात की कि जो न्यूटन के नियम होते हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपरिवर्तित रहते हैं जब हम एस से एस प्राइम फ्रेम में जाते हैं, और इसलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी इवेंट्स, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं जो न्यूटन के नियम के अनुसार चलती हैं वो सब सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक सी होती हैं। तो हम इन चीज़ों को फिर से एक बार दोहरा दें कि हमने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की बात की, जिसको हम आपेक्षिकता का सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में, और उसमें है कि जो प्रकृति के नियम हैं सभी जड़त्वीय फ्रेमों में एक समान होते हैं। एक ही समान होते हैं। और हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें की कि अगर हम एस और एस प्राइम में अपने पोजीशंस को, टाइम को रिलेट करें तो हमारा अनुभव बताता है कि एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी, y प्राइम बराबर y, z प्राइम बराबर z, और t प्राइम बराबर t, और इन ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत जो न्यूटन का नियम है f बराबर ma, वो ऐसा का ऐसा दूसरे फ्रेम में भी चला जाता है, यानी वहाँ भी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, जैसा s फ्रेम में वैसा ही एस प्राइम फ्रेम में, क्योंकि ये इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर अपरिवर्तित रह जाता है। तो ये हम लोगों ने बात किया, और इस कारण से इस नियम पर आधारित जितनी चीज़ें होंगी उसमें ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी लागू होगी, और वही एक्सपेरिमेंट्स हम एस में करें और एस प्राइम में करें तो हमें वही परिणाम भी मिलने चाहिए। लेकिन प्रकृति में केवल न्यूटन के नियम से तो सारा काम नहीं चलता है, केवल बल लगाओ त्वरण हो जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, ऐसा ही तो सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। खास करके जब हम विद्युत आवेश की बात करते हैं तो बहुत नई तरह की चीज़ें आती हैं। तो आपको पता है अगर दो आवेश हों, बिंदु आवेश Q1 Q2, तो वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कुछ ऐसा Q1, Q2, 4πε0 कांस्टेंट, R2, कुछ इस टाइप का होता है, कुछ दिशा होती है उसकी। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं, ये अलग किस्म के नियम हैं। जब आप कोई तार में से अगर कोई करंट ले जाते हैं तो उसके कारण से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ होती है μ0I ओवर कुछ 2πr, ऐसी कुछ चीज़ होती है, इसकी भी कुछ दिशा होती है। तो बहुत तरह के नियम हैं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और किसी कर्व पे, किसी लूप पे आप उसका फ्लक्स देखते हैं और वो फ्लक्स चेंज करता है तो EMF पैदा होता है, -dφdt। ऐसे कई सारे रूल्स हैं। कुछ फोर्सेस पर भी रूल्स हैं, जिसको हम Q V क्रॉस B ऐसा कहते हैं। अगर कोई आवेश है और V वेलोसिटी से चल रहा है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब भी रूल्स हैं। ये जो विद्युत के और चुंबक के क्षेत्र के, उनसे संबंधित रूल्स हैं,
इनसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम सब इससे फेमिलियर हैं, हम सब जानते हैं, बचपन से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं, देखी हैं। हम आपको दो चार दिखा दें, उसके बाद फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। ये हमने कुछ यहाँ पे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट करके रखे हुए हैं, कतरन। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपने ज़रूर अपने बचपन में किए होंगे। अगर हम कोई जो ये प्लास्टिक का स्केल है, इसको हमने अगर कपड़े से रगड़ा, ये हम इसको कपड़े से रगड़ रहे हैं और कपड़े से रगड़ करके और फिर हम इन कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं, ये कागज़ के टुकड़े जो हैं सो उछल उछल करके उससे सट जाते हैं। आप देखें इसके ऊपर कई सारे ये टुकड़े इसके ऊपर सट गए हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रगड़ने से इसमें आवेश आ गया है और वो आवेश होने के कारण से वो कागज़ के टुकड़े, वो भी उन पर भी थोड़ा आवेश इधर उधर हो जाता है और फिर वो उनमें आकर्षण होता है और उसके कारण से वो इसमें जा करके सट जाते हैं। तो ये है। इसी तरीके से और भी कई सारे आप आवेश और चुंबक से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर ये एक तांबे के तार की कुंडली बनी हुई है और एल्यूमिनियम के यहाँ पर ये दो छड़े हैं जिस पर ये टिका हुआ है, ऐसा टिका हुआ है ये, और इसके पास में यहाँ पर ये चुंबक रखा हुआ है, ये चुंबक है काला काला, इसको पास में यहाँ चुंबक रख दिया गया है और ये जो कुंडली है, ये तार यहाँ एल्यूमिनियम को यहाँ सट रहा है, तो मैं यहाँ पर बिजली के पॉइंट्स जोड़ूंगा। ये हमने एक पॉइंट जोड़ा और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें, और इस चुंबक के कारण से और इसमें एक बल पैदा होगा जब धारा बहेगी तो, और फिर आप देखें कि ये क्या होता है इसका। तो अब मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ। ये हमने इसको पावर दिया और फिर हमने इसको थोड़ा सा छुआ और ये देखिए ये घूम रहा है। तो विद्युत धारा अगर बहे कुंडली में और चुंबकीय क्षेत्र हो पास में, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल लगता है, बल का घूर्ण होता है और वो उसको गोल गोल घुमाता है। ये मोटर है, ये मोटर का सिद्धांत है, डीसी मोटर की तरह ये काम कर रहा है। और आपको एक एक्सपेरिमेंट में दिखाऊं जिसमें कि ये पाइप पर बहुत सारे ये कॉपर के टर्न लपेट दिए गए हैं, तांबे के तार के टर्न लपेट दिए गए हैं और उसके साथ में एक यहाँ पे एलईडी लगा दी गई है। उस तार के जो दो किनारे हैं लपेटने के बाद जो दो किनारे हैं उनमें ये एलईडी लगा दी गई है और ये एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को हम इसके अंदर डालते हैं और हाथ से दोनों साइड को हम ऐसा बंद कर देते हैं और फिर अगर हम इसको हिलाते हैं ज़ोर से मैग्नेट को इसके अंदर, इस कुंडली के अंदर, इस वाली कुंडली के अंदर इधर जाने देते हैं और फिर इधर लाने देते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आप देख सकते हैं कि बिना किसी बैटरी के विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है और एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। और जब हम उसको चलाना बंद कर देते हैं, भले ही मैग्नेट वहाँ पर पड़ा हो बीच में, तो एलईडी नहीं जलती है, लेकिन मैग्नेट जब चलता है तब फिर वो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, इनके आधार के ऊपर घटनाएं होती हैं और उन सब के मूल में, उन सभी आवेश से संबंधित जो घटनाएं हो रही हैं उसके मूल में कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं। तो हमने ये कुछ नियम लिखे हैं लेकिन इन सब को भी हम एक छोटे से इसके अंदर समेट सकते हैं जिसको कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल के समीकरण, आपका जो कोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का उसमें ये चीजें विस्तार पूर्वक होंगी, अभी हम केवल समीकरण लिख रहे हैं। कुछ ऐसा लिखते हैं, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो बटा एप्सिलॉन नॉट। अभी हम इनकी कुछ व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इसके लिए तो पूरा कोर्स अलग से है ही। फिर इसको कर्ल बोलते हैं, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस माइनस
डेल बी डेल टी, फिर डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो, और फिर कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी ई डी टी। तो ये चारों मिलकर के मैक्सवेल इक्वेशन कहे जाते हैं, और आवेश से संबंधित बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं उनके मूल के नियम, यही हम बता सकते हैं कि ये उसके मूल के नियम है। तो अब प्रश्न है कि ये जो नियम है क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनका भी स्वरूप अपरिवर्तित रहता है? जैसे न्यूटन के नियम का हमने देखा एफ बराबर एम ए का, कि आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करके एस से एस प्राइम में चले जाएं तो भी उसका स्वरूप वही रहता है, तो क्या इन इक्वेशंस का भी स्वरूप वैसा ही रहता है अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करके एस से एस प्राइम में जा करके इनको लिखने की कोशिश करें? और इसका उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ये अगर नियम है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये अपरिवर्तित नहीं रहते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर सी बात है कि इन इक्वेशंस से आपस में थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा कैलकुलस ये वो करें तो एक नया इक्वेशन बनता है डेल स्क्वायर ई बराबर वन बाई सी स्क्वायर, और डेल टू बी डेल टी डेल टू ई डेल टी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का समीकरण बनता है। और इसी तरह डेल स्क्वायर बी बराबर वन बाई सी स्क्वायर और डेल टू बी डेल टी स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन बनता है और इसको वेव इक्वेशन कहते हैं। और इसमें ये जो c आया है वो c वास्तव में वन बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट हैं, तो इस ये भी पूरा एक कांस्टेंट बन गया है, और इसका मान ऑलमोस्ट 3.0 इंटू 10 पावर 8 ऐसा निकल करके आता है। और ये प्रकाश का वेग है, ये शून्य में प्रकाश का वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस ये कहते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में इतना होना पड़ेगा, इतना होना चाहिए। तो अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से सोचें तो किसी चीज का वेग एस में और एस प्राइम में अलग अलग होता है। हमने इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ये बात निकाली थी कि अगर हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देखें तो वी एक्स प्राइम बराबर वी एक्स माइनस यू ऐसा होता है। यहाँ से आप सीधा डिफरेंशिएट करके और इस परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग फ्रेम में अगर हम चले जाएं, एस में एस प्राइम में चले जाएं, और एस प्राइम जो है वो एस की अपेक्षा चल रहा हो वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से चल रहा हो, तो वैसी हालत में उस जो भी जिसका भी आप वेग देख रहे हो एस प्राइम में वेग इतना होगा, एस में वेग इतना होगा, और वो दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन ऐसा नहीं कहता। अगर ये इक्वेशंस हैं तो उन इक्वेशन से तो ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस वेव की वेलोसिटी पूरी पूरी निकल करके आ रही है, जिस भी फ्रेम में ये सही है उस फ्रेम में ये होना चाहिए। तो यानी मैक्सवेल इक्वेशंस किसी एक फ्रेम के लिए सही हो सकते हैं, सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए सही नहीं होंगे अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात मानी जाए। तो क्या अर्थ निकला? अगर आप मोशन से संबंधित मैकेनिक्स से संबंधित प्रयोग करते हैं, एक फ्रेम में करते हैं और एक दूसरे फ्रेम में करते हैं जो पहले की अपेक्षा चल रहा है एक समान वेलोसिटी से, तो आपको उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता नहीं चलेगा कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, कौन एस है कौन एस प्राइम है, वो एक से ही नजर आएंगे। जो परिणाम यहां मिलने हैं वही परिणाम वहां भी मिलने हैं, सभी इनर्शियल फ्रेम्स एक से हैं।
लेकिन अगर आप विद्युत और चुंबक से संबंधित प्रयोग करें तो ऐसा लगता है कि एक फ्रेम में करें तो एक परिणाम आएंगे, दूसरे फ्रेम में करें तो दूसरे परिणाम आएंगे, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अपरिवर्तित नहीं रहते हैं। तो यानी एक कोई बड़ा स्पेशल फ्रेम है जिसमें कि ये स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, जिसमें ये सब रूल सही हैं, अगर आप किसी दूसरे फ्रेम में चले जाएंगे तो ज़रूर वहाँ कुछ और गड़बड़ हो सकती है, कुछ दूसरे परिणाम निकल सकते हैं। तो अब इन दोनों में टसल है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी लागू नहीं होती है या फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही गलत है, और अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है तो फिर न्यूटन लॉ पर भी खतरा मंडराता है, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार न्यूटन्स लॉ जो हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं और इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का पालन करते हैं। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का पालन होना है, अगर सभी इनर्शियल फ्रेम एक समान है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करो तो जो एस में होगा वही एस प्राइम में होगा, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, मैकेनिक्स का हो, आवेश का हो या किसी का भी हो, अगर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सही है तो फिर या तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस गलत होंगे, और अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत होंगे तो शायद न्यूटन के नियम भी गलत होंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण से उनसे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बनी थी। तो ये सब बातें निकल करके आती हैं, और अब हमें एक्सपेरिमेंट्स में क्या दिखता है उसको सोचना पड़ेगा। तो 19वीं शताब्दी के आखिरी में ये एक बहुत हॉट टॉपिक था, क्या सभी फ्रेम्स में और प्रकाश का वेग इतना होता है, क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, क्या ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया है ये गलत है, जबकि इस पर किसी को विश्वास नहीं था। तो सब ढूंढ रहे थे कि नहीं, अलग अलग फ्रेम में प्रकाश का वेलोसिटी अलग अलग ही होना चाहिए, और इसके लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट बहुत सालों तक किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, थोड़ी इसकी हिस्ट्री इसका इतिहास में पहले कह दूं। उस समय में 19वीं शताब्दी के अंत में मैक्सवेल ने जब अपने इक्वेशंस बनाए और उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड उन्होंने कैलकुलेट किया और वो लगभग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड आया, तब ये समझ आया कि जो हमारी लाइट है उसका भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिश्ता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट की स्पीड नापने के लिए बहुत लंबे समय से काम चल रहा था, और उस समय तक ये पता हो गया था कि नाप करके कि इसकी स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है। तो जब मैक्सवेल्स इक्वेशन से वही स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की निकल करके आई, तब ये समझ आया कि ओ लाइट जो है वो भी वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन कोई भी वेव जब चलती है तो पहले की धारणा के अनुसार एक माध्यम का होना ज़रूरी है, कुछ कणों का होना ज़रूरी है, उनमें कुछ परिवर्तन होंगे और उस परिवर्तन के आधार पर वेव आगे बढ़ेगी, तरंग आगे बढ़ेगी। तो वो माध्यम कौन सा है, वो जो माध्यम है उसका एक काल्पनिक नाम भी दिया गया, उसको ईथर कहते हैं। और ये समझा गया कि ये है असली इनर्शियल फ्रेम, ये है असली स्पेशल फ्रेम जिसको हम रेस्ट में कह सकते हैं, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सी है।
लेकिन अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक फ्रेम में सी हो सकती है, दूसरे फ्रेम में फिर सी माइनस वी ऐसा कुछ होना पड़ेगा। तो ये मानते हुए कि नहीं एक एब्सोल्यूट फ्रेम है, वही उसी को रेस्ट में कहना चाहिए, उसी में मैक्सवेल इक्वेशन सही होते हैं, उसी में लाइट की स्पीड सी होती है और बाकी सब में सी नहीं होती है, बाकी सब में मैक्सवेल इक्वेशंस लागू नहीं होते हैं, वो एब्सोल्यूट फ्रेम कहाँ है? अब प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गई, एक अगर एब्सोल्यूट फ्रेम है, सभी इनर्शियल फ्रेम एक समान नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गई। तो उस समय की धारणा के अनुसार ऐसा ही था, एक एब्सोल्यूट फ्रेम है जिसको इथर फ्रेम नाम दिया गया, वो जो माध्यम है उसको इथर नाम दिया गया, और उसकी खोज शुरू हुई कि भाई वो कहाँ है, कैसा है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है, हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। उसी के संदर्भ में ये माइकेलसन ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और ये आइडिया था कि जो धरती अपनी चलती है उस ईथर के फ्रेम में चलती है कुछ वेलोसिटी से। तो ये इसने कैसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उस वेलोसिटी को नापने के लिए, तो इसका जो उद्देश्य था वो ऐसा समझिए, इसका उद्देश्य था इथर के फ्रेम में धरती का वेग निकालना। यानी ईथर के फ्रेम को खोजना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे डिजाइन किया, तो उसमें एक शीशे की प्लेट है और उस शीशे की प्लेट में को ऐसे टेढ़ा करके रखा हुआ है और उस पर उन्होंने एक पतली प्रकाश की बीम डाली और इसकी जो सतह है, शीशे की जो सतह है, वहाँ से इसका एक हिस्सा परावर्तित होकर के इधर को गया। यहाँ एक मिरर है, एक प्लेन मिरर है, और उस प्लेन मिरर से टकरा करके वो वापस आई और वापस आकर फिर इस प्लेट पर पड़ी और एक हिस्सा इसका इधर जाएगा परावर्तित होकर और बाकी हिस्सा इधर को निकल करके आएगा। ये एक काम हुआ, लेकिन जो प्रकाश की बीम यहाँ पड़ी उसका सिर्फ एक हिस्सा ऊपर गया है, बाकी हिस्सा इस शीशे की प्लेट में से आगे भी निकला है। तो वो हिस्सा ऐसा आगे निकला और वो भी कुछ दूर गया, वहाँ पर भी एक मिरर है और उस मिरर से परावर्तन हुआ, उस दर्पण से परावर्तन हुआ और परावर्तन होने के बाद वो भी किरण यहाँ से वापस आई, एक हिस्सा इधर चला गया, दूसरा हिस्सा उसका इधर परावर्तित हुआ और इसको देखा गया, इसका अध्ययन किया गया, इसको टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया। तो ये एक मोटा मोटा अरेंजमेंट इस प्रकार का किया गया माइकेलसन के द्वारा। और जो आगे की गणना है उसमें आप ये सोचें कि अगर धरती है और धरती ईथर की अपेक्षा चल रही है और हम धरती के फ्रेम पे हैं, तो अब दो फ्रेम हमारे पास हो गए हैं, एक धरती का फ्रेम है और एक ईथर का फ्रेम है। तो ये ईथर का जो फ्रेम है वो आप समझो कि, ध्यान रखना ये पुरानी कहानियां कह रहे हैं हम, आज की तारीख में ये सब कुछ नहीं है, ये उस समय की कहानियां चल रही हैं, 19वीं शताब्दी की आखिरी की कहानियां चल रही हैं। तो उस समय की मान्यताओं के अनुसार ये एक एब्सोल्यूट रेस्ट में और ईथर फ्रेम है, तो इसको आप एस फ्रेम कह सकते हैं और उसमें अपनी अर्थ है, अपना ये लेबोरेटरी है जो कि इसकी अपेक्षा वी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो इस तरफ को चल रहा है, तो इस अर्थ के फ्रेम को आप एस प्राइम कह सकते हैं। और प्रकाश की जो गति है, वेग है, वो इस फ्रेम में सी है, प्रकाश का वेग इस फ्रेम में सी है। तो धरती के फ्रेम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो अगर हम यहाँ आए और इस बिंदु से और इस मिरर तक ये जो, इसको आप M1 दर्पण कह सकते हैं, ये जो दूरी है, इस दूरी को चलने में प्रकाश को कितना समय लगा हम ये जानना चाहते हैं और लौट करके यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा हम ये जानना चाहते हैं। तो ये मान लेते हैं हम कि यही जो दिशा है
वो इस धरती के इधर में चलने की दिशा है। तो धरती की अपेक्षा अगर हम प्रकाश का वेग निकालें तो हम अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे कि जो वी एक्स प्राइम है, याद है आपको वी एक्स माइनस वी, जो x माइनस वी टी, एक्स प्राइम बराबर x माइनस वी टी, उसको हमने डिफरेंशिएट करके लाया था। तो प्राइम्ड फ्रेम में यानी अर्थ के फ्रेम में, धरती के फ्रेम में जो प्रकाश का वेग का x कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है और यहाँ पर यही कंपोनेंट है, वो जो इधर में कंपोनेंट होगा उसका और माइनस जो धरती की वेलोसिटी है ये, अर्थात इधर में जो लाइट चल रही है, ये जो लाइट चल रही है इथर के फ्रेम से, इसको अगर हम देखेंगे ऐसे जो लाइट चल रही है इथर के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो वी एक्स बराबर सी है और इसलिए सी माइनस वी। तो यहां से यहां धरती के फ्रेम में, यहां से यहां आने में जो समय लगेगा, जिसको आप कह सकते हैं टी वन ए लिखता हूं मैं अभी, ये दूरी अगर एल है, ये दूरी अगर एल है तो ये होगा एल बटा सी माइनस वी, इतना समय लगेगा। अब हम धरती के फ्रेम में देख रहे हैं, यहां मेरा शीशे की प्लेट है, यहां मिरर है, एल दूरी चला सी माइनस वी वेलोसिटी से, तो इतना समय लगा। लौट करके परावर्तन के बाद जब इधर से इधर आएगा उस समय क्या होगा, तो फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा जबकि लाइट दाहिनी तरफ जा रही है, दर्पण पर पड़ रही है, और अब हम लिख रहे हैं जबकि ये बाई तरफ आ रही है, दर्पण से परावर्तित हो रही है, तो अब ये माइनस एक्स दिशा में चल रही है। तो अगर हम इस समय में वी एक्स प्राइम इसी का इस्तेमाल फिर से करें, इसी का इस्तेमाल फिर से करें, तो ये वी एक्स प्राइम हमें चाहिए और वी एक्स इस समय में माइनस सी हो गया है। इथर के फ्रेम में जो प्रकाश का वेग है उसका एक्स कंपोनेंट, तो प्रकाश अब इधर को चल रहा है, इथर के फ्रेम में प्रकाश इधर को चल रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, और इसलिए एक्स कंपोनेंट लेंगे तो वो माइनस सी आएगा, और इधर के फ्रेम में वेलोसिटी सी होती है और माइनस वी, माइनस सी प्लस वी, तो माइनस ये बताता है कि इस तरफ को चल रही है, और सी प्लस वी ये स्पीड हो गई। अर्थ के फ्रेम में, प्राइम्ड फ्रेम में, अर्थ के फ्रेम में, धरती के फ्रेम में जो प्रकाश का वेग है वो c प्लस वी हो गया है, और इसलिए इसको टी वन बी कहें आप, टी वन बी, तो l डिस्टेंस धरती के फ्रेम में आया है और c प्लस वी स्पीड से आया है, तो इतना समय इसको लगेगा। तो टोटल यहाँ से जाके यहाँ आने में कितना समय लगा, ग्लास प्लेट से मिरर M1 तक जा करके और फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, उसको आप T1 लिखते हैं, तो T1 बराबर T1A प्लस T1B, अर्थात इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़, L को अगर आप बाहर ले लें 1 बाय C प्लस V और प्लस 1 बाय C माइनस V, इनको आपस में आप जोड़ दें तो ये 2 L C यहाँ और C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर यहाँ, इसको आप लिख सकते हैं 2 L बाय C और फिर 1 बाय 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। अलजेब्रा देख ले, हमने एक C यहाँ लिखा है यानी C स्क्वायर से ऊपर भाग लगाया है तो इतना आ गया, C स्क्वायर से नीचे भाग लगाएंगे तो इतना आ गया। तो ये समय लगा है इस मिरर को पार करके, इससे परावर्तित होकर के वापस यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक जा करके यहाँ तक पहुँचने में इतना समय इनको लगा है। अब दूसरा कैलकुलेशन हमें करना है कि इस जगह से परावर्तन के बाद ये जब ऊपर वाले मिरर की तरफ गई तो कितना समय लगा, और वहाँ से जब वापस लौटी तो कितना समय लगा, इस रास्ते में कुल कितना समय लगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये काम हम अगले लेक्चर में करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि माइकलसन की क्या योजना थी, ये सब क्यों किया उन्होंने, ये सब करने से उनको इस वेलोसिटी का कैसे पता चलता, और ये वेलोसिटी का पता चल जाता
तो हम जान जाते कि अच्छा ईथर हमारी अपेक्षा इतनी वेलोसिटी से इस तरफ को चल रहा है, तो हम उसको पकड़ लेते, वो एब्सोल्यूट फ्रेम को हम पहचान लेते और तब हम कहते कि हाँ यही रेस्ट में है और इसकी अपेक्षा जो सब चल रहे हैं वो सब रेस्ट में नहीं है। यहाँ से हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे।